हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक ठीक होंगे और थोड़ा गुस्सा भी होंगे, वेट कर रहे होंगे कि 2 दिन हो गया अभी तक वीडियो नहीं डाला। दरअसल एग्जाम के कारण वीडियो नहीं डाल पाया था, आज से डालना शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका। पिछली क्लास में सिर्फ कंट्री देखा था आपने, और कंट्री के साथ देखा था कि कैसे डायग्राम बनाना है साउथ अमेरिका का। हम साउथ अमेरिका के डायग्राम को बनाने पे क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई क्वेश्चन आता है और कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो वहां पे यदि डायग्राम बना दो तो वो अट्रैक्टिव लगता है। आप यूट्यूब वीडियोज देखते हैं, यदि कोई पीपीटी यूज कर लेता है और बगल में कोई डायग्राम ले आता है या कोई इमेज ले आता है, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। जब आप पीटी के बाद मेल लिखते हैं, यदि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मेन होता है, और मेन में आंसर राइटिंग देखी जाती है। और वहां पे यदि आपने मैप डायग्राम बनाने की आदत डाल ली, तो औरों से आप 5-10 नंबर ज्यादा ले आते हैं, और एक नंबर भी बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैप बनाना भी सीखते हैं, और साथ में हम सीखते हैं कि साउथ अमेरिका में कहाँ क्या है और उनके होने से क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे साउथ अमेरिका का फिजिकल ज्योग्राफी, और साथ ही साथ हम सीखेंगे साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और साथ में दोनों के बीच का कनेक्शन देखेंगे। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसमें पर्वत पठार, नदियां, घास के मैदान, वन, मिट्टी, ये सारी चीजें आती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मेनली जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओसनोग्राफी वाला सेक्शन होता है, बायो और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाला सेक्शन, यानी कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कहाँ पे कौन सा पठार है, ये सारा सेक्शन डेजर्ट उजर्ट वाला सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी में। जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वहां कृषि भी है, उद्योग भी है और व्यापार भी है। और जब उद्योग की बात है, तो खनिजों का भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कौन खनिज है। एक बार यदि हम साउथ अमेरिका का ये चीज समझ गए, तो साउथ अमेरिका को समझ जाएंगे, और यदि इस पर आधारित कोई समझ वाला प्रश्न आएगा, तो हम उसको बना पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो लॉन्ग हो। हम आपको इस वीडियो में फिजिकल और इकोनॉमिक बताएंगे, एक और वीडियो साउथ अमेरिका की आएगी जिसमें हम सोशल बताएंगे। सोशल वीडियोस का अभाव है, सोशल ज्योग्राफी ऑफ द साउथ अमेरिका का अभाव है, जबकि यूपीएससी ने, खास करके यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस ने, जहां भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो बात करता है, यूपीएससी लिखता है फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ज्यादातर जो हमारे साथी हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले और ऑफलाइन पढ़ाने वाले, वो फिजिकल ज्योग्राफी पे तो बड़ा फोकस करते हैं, पूरा पीपीटी फिजिकल ज्योग्राफी पे होता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक पे भी फोकस कर देते हैं, बट जब सोशल ज्योग्राफी की बात आती है तो 0/0, बिकॉज उनका अपना सोर्स है। लेकिन हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो ला के देंगे, वो सोशल ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका पे ला के देंगे, ठीक है? चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में देखते हैं कि साउथ अमेरिका में फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको क्या बताता हूँ। सबसे पहली बात, कल के वीडियो को, मतलब पिछले वीडियो को हम रिवाइज कर लें, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउथ अमेरिका का जो पॉलिटिकल यानी कंट्रीज का जो पोजीशंस है, वो सारा कुछ डिस्कस किया था हमने, और इसमें हमने चर्चा की थी आपके साथ कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम साउथ अमेरिका का फिजिकल और इकोनॉमिक पढ़ेंगे, और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम, जो नए हैं उनको तो बता ही दूं, और जो पुराने हैं जो मुझे जानते हैं उनको पता है, मेरा नाम ऐसे अमित आलोक रंजन है, बट आलोक शंकरन मैंने जानबूझ के अपना नाम लिया, बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे पापा का नाम है शंकर, तो इसलिए मैंने ये नाम लिया है। और मैं जो हूँ एक स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी कर रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी तत्काल ज्योग्राफी से एमए हूँ, और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा हूँ ज्योग्राफी ऑफलाइन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन अभी जस्ट स्टार्ट किया है, 1 वीक हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ जूम पे, और बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब फैमिली को भी मेल के जरिए कनेक्ट करेंगे, और जूम पे भी ऑनलाइन क्लास अवेलेबल कराएंगे, वो भी फ्री, मेरे पास कोई पेड बैच नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने इसको स्टडी कर लिया था पिछले क्लास में, हमने आपके साथ चर्चा की थी डिटेल में कि ये ब्राजील है, और लगभग 84% पार्ट जो है साउथ अमेरिका का, वो ब्राजील के पास है। इसके जस्ट बगल में ये नन्ना मुन्ना सा देश ओवरसीज कॉलोनी ऑफ फ्रांस है, फ्रेंच गुयाना, जहां पे स्पेस स्टेशन है फ्रांस का। भारत ने भी अपने कई सैटेलाइट अपने अर्ली दिनों में वहीं से भेजे थे, अब तो भारत खुद भेजने लगा है,
प्रोग्रेस हर कोई करता है, मैं भी यूट्यूब पे बहुत जल्दी प्रोग्रेस करूंगा आपकी कृपा से। सुरीनाम ये दूसरा देश है जो स्वतंत्र देश है, उसके बगल में गुयाना, गुयाना प्लेटू वाला रीजन है, डायमंड में रिच है गुयाना प्लेटू, मैं बताऊंगा आपको। और ये है वेनेजुएला जहाँ पे बच्चों को मिस वर्ल्ड बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, ब्यूटी की ट्रेनिंग स्कूलों में मिलती है। और वेनेजुएला रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो अगली बात करें कोलंबिया की, जहां से पनामा स्ट्रीट जुड़ता है यानी नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, वो एस्थमस है यानी जो जल डमरू मध्य वाला सेशन है वो यहीं से जुड़ता है। आगे देखें इक्वेडोर, छोटा गरीब और स्मगलिंग वाला देश, इक्वेटर पर स्थित होने के कारण इक्वेडोर। और पेरू देखा था आपने, बोलिविया, पानी का क्राइसिस है यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्राइसिस है, वाटर वॉर के लिए फेमस है एनसीईआरटी में, ये वाटर वॉर देख सकते हैं, इसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। चाइल का भी चर्चा है एनसीईआरटी में, तो टेंथ या टेंथ की एनसीईआरटी में, नाइन्थ और नाइन्थ की एनसीईआरटी में चाइल की चर्चा है, जिसमें सत्ता की साझेदारी नाम का चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें चाइल की बात वो करते हैं। चाइल किनारे किनारे एंडीज पे, 90% ऑफ द चाइल बसा है कहाँ, एंडीज पे। ये सारी बातें हम कर चुके थे, और ये जो कटा फटा तट देखते हैं इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। फियोर्ड, जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखा पिछला वीडियो, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसमें, आप उसको देखिएगा, वो सिर्फ मैप बनाने का ट्रेनिंग था। और ये है अर्जेंटीना जो बेहतरीन देश है, इसके बारे में आज बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि कैसे अर्जेंटीना ने अपने को ट्रांसफॉर्म किया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, और मिस मेनली ये जो है मांस उद्योग के लिए फेमस हुआ है, और भी चीजें जानेंगे। और ये है नन्ना सा फॉकलैंड आइलैंड, और ये जो फॉकलैंड द्वीप है ना, फॉकलैंड द्वीप में यूके वर्सेस अर्जेंटीना, ठीक है, चल रहा है एक डिस्प्यूट, यूके छोड़ना ना चाहे और अर्जेंटीना मांगने से चुके ना। ये है यूरुग्वे, और ये पूरा का पूरा एरिया ब्राजील का है, ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। रिसेंटली ब्राजील में अभी एक तो अमेजन के बुश फायर के कारण ये न्यूज में था, इसके अलावा देखा जाए तो इन्वायरमेंटल रीजन से पहले भी न्यूज में रहा है, यही है रियो डी जेनेरियो जिस पर अक्सर क्वेश्चन बनता है रियो समिट के रूप में, यहीं पे साओ पोलो है, और भी कई फेमस सिटी हैं ब्राजील के जो हम पढ़ेंगे आगे चल के इस वीडियो में। आगे देखते हैं, यहाँ तक चर्चा करने के बाद हम आगे आते हैं सीधे डिस्कस करते हैं फिजिकल फीचर को, दूसरे वाले स्लाइड पे आते हैं हम। अच्छा एक बात और बता दूं, ये बात आपके लिए वर्क के लिए है कि जो इक्वेटर है ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे 0 डिग्री, और इस तरफ ये लाइन क्या है 0 डिग्री का है। इस दोनों लाइन को यदि मैं मिला दूं यहां से खींच के सीधे, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था भाई, ठीक है आप समझदार हैं, बताना ये चाहता हूं मैं आपको कि आपको लर्न करके रखना होगा कि इक्वेटर जो है वो किन किन देशों से होके गुजरती है, ठीक है, इक्वेटर किन किन देशों से होके गुजरती है, यानी विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका में किन किन देशों से होके गुजरती है। ब्राजील तो है ही अपना, अमेजन ब्राजील, अमेजन रिवर ब्राजील में इसके इसी पे माउथ बनाती है, इसके अलावा कोलंबिया से भी गुजरती है, इसके अलावा इक्वेडोर से भी गुजरती है, थोड़ा सा पास करती है, किसको टच करती है, पेरू को भी टच करती है। आगे देखते हैं यदि हम इसी तरीके से बात करें 23.5 डिग्री, ये 30 है ये 20 है, तो इसके बीच में एक मैप बनेगा, एक लाइन खींचेंगे आप, और ये जो लाइन होगा ये लाइन होगा मकर रेखा। आप अच्छे तरीके से इसको एटलस में चेक करके आप हमें बताएंगे कि किन किन देशों से मकर रेखा पास करती है, किन किन देशों से विषुवत या भूमध्य या इक्वेटर रेखा क्रॉस करती है। ये काम आपके जिम्मे छोड़ता हूं कि आप बता पाए हमें कि मकर किस किस से क्रॉस करती है और विषुवत किस किस से क्रॉस करती है। अब सीधे चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं हम। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो रीजन है, पॉइंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें हम देखेंगे कि ये हम डिस्कस किए थे अभी जस्ट, उसको थोड़ा डिलीट नहीं किया, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये साउथ अमेरिका का फिजिकल डायग्राम है, फिजिकल रीजन्स का डायग्राम है। अब फिजिकल रीजन्स की बात करें तो पूरे साउथ अमेरिका को आप टोटली 4 पार्ट में बांट सकते हैं। आप कहेंगे डायग्राम में तो 3 दिख रहा है, तो चौथा आप कहां से लाए,
तो चार पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, बांट के डिस्कस कर सकते हैं चौथे पार्ट में। एक पार्ट तो पूर्वी क्षेत्र हो गया, पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश में ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये जो एरिया है ये गुयाना प्लेटू वाला रीजन है, ये ब्राजीलियन आइलैंड है पूरा का पूरा, ये ब्राजीलियन आइलैंड है यानी ब्राजील का पठार है, ये गुयाना का पठार है। दो रीजन तो आपको जान गया, ये गुयाना प्लेटू वाला रीजन है और ये ब्राजीलियन आइलैंड है। आइलैंड और प्लेटू दोनों सेम होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्लेटू छोटा सा है, बारबारोमा प्लेटू, और ये पूरा का पूरा ब्राजीलियन आइलैंड है। तो जो हाईलैंड रीजन है वो पूर्वी क्षेत्र में दो है, गुयाना प्लेटू वाला रीजन, एक ब्राजीलियन प्लेटू वाला रीजन। और यदि हम डिस्कस करें हम तो उसके बाद ये रीजन यदि हम हटा ले, पूर्वी पूर्वी पठारी भाग हटा लें इससे, तो दूसरा पराना पराग्वे रीजन है। हालांकि एक नदी और है यहाँ पे यूरुग्वे। ये जो पराना पराग्वे और यूरुग्वे का ये रीजन है ना, प्योर उपजाऊ मैदान वाला रीजन है, और यही है वो पंपास वाला रीजन जो बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है, पराना पराग्वे यूरुग्वे रीजन। तो पूरी तरह से यदि फिजिकल ज्योग्राफी के बेस पे आप समझना चाहो साउथ अमेरिका को, तो ऑफकोर्स आप समझेंगे कि ये मेन लैंड तीन भाग में बांट के देखा जा सकता है, वेस्टर्न हाईलैंड, और आप इसको अदर वर्ड में क्या पुकार सकते हो, वेस्टर्न हाईलैंड को दूसरे शब्द में आप पुकार सकते हो एंडीज, और ईस्टर्न रीजन को आप पुकारोगे पूर्वी पठारी क्षेत्र, और तीसरा जो है ये मैदानी भाग कह सकते हो, पराना पराग्वे मैदानी भाग। पराना पराग्वे नदी का नाम है इसका मैदानी भाग, और पूर्वी पठारी भाग बारबारोमा ब्राजील और गुयाना के कारण, गुयाना प्लेटू जो है इसके कारण जाना जाता है, और जो वेस्टर्न आइलैंड है पूरा का पूरा ये एंडीज के रूप में जाना जाता है। आगे यदि हम देखें अगला पॉइंट, यदि हम समझें इसी को थोड़ा और लार्ज कर लें, एंडीज वाला जो रीजन है उसको थोड़ा ज्यादा डीपली समझने की आवश्यकता है, आपको ज्यादा क्लियरली आपको समझना है एंडीज को। चलिए आगे चलते हैं, हम एंडीज के पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो एंडीज वाला जो पार्ट है इसमें हम आपको मैनुअली पहले समझाना चाहेंगे, इसलिए ये वाला मैप एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। मैनुअली समझा दें कि जो एंडीज माउंटेन सीरीज है आपका, एंडीज माउंटेन सीरीज में ये वाला रीजन शुरू कहां से हो जाता है, बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में, जो ये यहाँ पे माराकाइबो लेक है, ये माराकाइबो लेक है, माराकाइबो लेक के पास वाला रीजन जो है यहीं से शुरू हो जाता है एंडीज, और कहां तक जाता है तो सदर्न टिप तक जाता है एंडीज, यानी यहां से लेके यहां तक दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, सबसे लंबा 7000 किलोमीटर लंबाई है यहां से टॉप नॉर्थ से उत्तर से लेके दक्षिण तक, किसकी, एंडीज की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। आप कहेंगे कि हिमालय का नंबर कितना है, तो हिमालय तो मात्र जो है उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, जबकि एंडीज की लंबाई जो है वो 7000 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, इसी तरह डिस्कस करते जाएं हम कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी को पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ी बात ये भी समझ लें कि हम सबसे पहले इस रीजन को, पूरे साउथ अमेरिका के रीजन को पढ़ने के लिए माउंटेन को सबसे पहले देखेंगे, फिर प्लेटूज देखेंगे, फिर इसी तरह डेजर्ट देखेंगे। चलिए एंडीज की, एंडीज के बारे में हम दो चीज बताना चाहते हैं आपको, एक एंडीज की उत्पत्ति कैसे ओरिजिन आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और फिर एंडीज में कितने सीरीज हैं, जो माउंटेन सीरीज हैं जिसको आप हिंदी में पर्वत श्रेणी कहते हो, कितनी पर्वत श्रेणियां हैं और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं इसकी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात आती है, महत्वपूर्ण बात है तीसरा, वो है चोटी, पिक। ठीक है, पिक्स कौन कौन से हैं, ऊंची चोटी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ ओरिजिन कैसे हुआ, बना कैसे एंडीज माउंटेन सीरीज। तो जैसा इस इमेज से आपको दिख रहा है कि बिल्कुल जो आप वाटरमैन वाली जो मूवी देखे होंगे ना, उसके पास जो हाथ में हथियार होता है ऐसे, बाबा शिव भोले के त्रिशूल जैसा, यानी नॉर्थ में एंडीज के तीन सीरीज हैं। पूरब वाले को हमेशा एक वर्ड बता दूं मैं आपको, पूरब के लिए एक टर्म आता है ओरिएंटल, पूरब के लिए, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो पूरब के लिए एक टर्म आता है ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल, और पश्चिम के लिए टर्म आता है ऑक्सीडेंटल, याद रखिएगा ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल। इस आधार पे यदि हम एंडीज के माउंटेन सीरीज को तीन कैटेगरी में बांटें, तीन तीन सीरीज है ना यहाँ पे, एक सीरीज जो है इसको ईस्टर्न कार्डिलेरा जिसको कहते हैं,
तो इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, कार्डिलेरा ओरिएंटल। किसी किताब में यदि लिखा मिले, जिसिलियांग में मिल जाएगा यदि उसमें दिया हो साउथ अमेरिका तो, या फिर एनसीईआरटी में मिलेगा, तो ये ईस्टर्न कार्डिलेरा। ईस्टर्न कार्डिलेरा को आप दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, किसी किताब में मिलेगा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल। और जो पश्चिम की तरफ माउंटेन सीरीज है, ये पश्चिम की तरफ, इसको कहेंगे कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। और जो बीच में जो एक माउंटेन सीरीज है, ये ऐसे, इसको कहेंगे क्या हम, कार्डिलेरा सेंट्रल। सेंट्रल कार्डिलेरा, कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। यानी कि मोटे शब्दों में हम कहें और समझने की कोशिश करें तो बस हम यही कह सकते हैं कि जो एंडीज की माउंटेन सीरीज है वो नॉर्थ में तीन शाखाओं में बटी है, तीन पर्वत श्रेणियों में बटी है, और तीनों पर्वत श्रेणी जहां जाके मिल जाते हैं एक साथ, वहां पे वॉल्केनिक पिक बनाते हैं, ज्वालामुखी चोटी बनाते हैं। ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है और ये ज्वालामुखी द्वारा वॉल्केनिक पिक बनाते हैं, जिसको माउंट कोटोपैक्सी कहते हैं, कोटोपैक्सी। और उसके ठीक नीचे एक और चोटी बना रहा है, दो चोटियां यहां दिख रही हैं, और इसको कहते हैं माउंट चिम्बोराजो। तो माउंट चिम्बोराजो एंड माउंट कोटोपैक्सी में यदि हम नॉर्थ टू साउथ सजाना चाहें तो नॉर्थ में माउंट कोटोपैक्सी है और साउथ में माउंट चिम्बोराजो है। और तीन श्रेणी आपने देखा, पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा मतलब कार्डिलेरा स्पेनिश टर्म है और कार्डिलेरा का मतलब होता है पर्वत श्रेणी। तो कार्डिलेरा यानी हो गया पर्वत श्रेणी, पूर्वी पर्वत श्रेणी, पश्चिमी पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, एंडीज तीन पार्ट में बटा है। और तीनों श्रेणी जहां आके मिलती है वहां एक ऊंची चोटी है, उसको कहते हैं कोटोपैक्सी। लेकिन सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची हम नीचे चलेंगे तब पता चलेगा। और उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी जो है उसका नाम है चिम्बोराजो। उम्मीद करता हूं आपको एंडीज थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया और तीनों चोटियां समझ में आ गई। और जो नीचे चली गई, इन तीन चोटियों को यदि हम छोड़ भी दें तो जो नीचे गई इसको क्या पुकारते हैं, ये एक ही चोटी है। एक तो इस चोटी को जो इधर से गई है और कोस्ट पे एकदम पतली सी चोटी है, दोनों जाके मिल गई है, तो कोस्टल एंडीज कहते हैं इसको और इसको इनर एंडीज कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो ब्लू कलर का, ये जो देखते हैं ना ब्लू कलर का एरिया, ये ब्लू कलर का एरिया एक प्लेटू है, जिसको हम इस प्लेटू को बोलिविया प्लेटू बोलते हैं। और हाँ, दो पर्वतों या दो से अधिक पर्वतों के बीच में कोई प्लेटू हो तो उसको अंतः पर्वतीय पठार या फिर इंटर माउंटेनियर प्लेटू कहते हैं। तो बोलिविया किस तरह का पठार है, बोलिविया एक इंटर माउंटेनियर प्लेटू है, अंतः पर्वतीय पठार है, यानी चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ जो भी पठार है। क्या तिब्बत इंटर माउंटेनियर प्लेटू है? जी बिल्कुल, तिब्बत भी अंतः पर्वतीय पठार है। क्या लद्दाख इंटर माउंटेनियर प्लेटू है? जी आपने सही फरमाया, लद्दाख भी इंटर माउंटेनियर प्लेटू है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटू हैं जो पर्वतों के बीच में डेवलप हुए हैं और ऐसे प्लेटू को ही हम इंटर माउंटेनियर प्लेटू या अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अगले पड़ाव पे ले चलते हैं, ठीक है। तो अगले पड़ाव पे चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। आप अभी देख रहे थे एंडीज पर्वत श्रेणी को, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर में तीन ब्रांच हैं उसके, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। दो चोटी देखा आपने, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, और साथ में देखा कि नीचे जो है एंडीज जब साउथ की तरफ बढ़ता है तो उसकी ऊंचाई घटने लगती है, कहां से, चाइल में पहुंचने के बाद। चाइल में एक पिक है जिसका नाम है अकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ के बाद इसकी ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है और अकांकागुआ तक इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। एक और बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ यहीं पर, कि आप देखेंगे इस एरिया में ज्यादा चोटियां हैं और ये एरिया में, इस एरिया में इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। आप इसको अभी नजर पे रखिएगा और हम क्यों बताएंगे कि इस एरिया में क्यों इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इस एरिया में क्यों ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, क्यों कोटोपैक्सी यहीं है, क्यों चिम्बोराजो यहीं है और यहीं पर है आगे चलकर अकांकागुआ। नीचे साउथ में सबसे नीचे अकांकागुआ है, उसके बाद चिम्बोराजो है और उसके बाद कोटोपैक्सी है। तीन चोटियां लगातार यहीं पे क्यों है, ठीक है, इसी रीजन में क्यों है ये तीनों चोटियां और क्यों यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है एंडीज की, इस क्वेश्चन पे जरूर आप ध्यान रखिएगा और इसी वीडियो में हम आपको भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले अगले पड़ाव पे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे माउंटेन सीरीज को और एक बार फिर से उसी माउंटेन सीरीज को हम अगले चरण में लेके चलते हैं। इस बार अभी जो हम जस्ट बात कर रहे थे आपसे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो दो पर्वतों के बीच वाला जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं इंटर माउंटेनियर प्लेटू, और जो ये ब्लू कलर वाला जो देख रहे हो, ये ब्लू कलर वाला जो रीजन है
ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, बोलिवियन प्लेटू कहलाता है। इसमें लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, ये बोलिवियन प्लेटू है, बोलिविया का पठार, ठीक है। और यदि हम आगे चलें, अगले बात अगले चीज पे देखें, तो इसी बोलिविया के पठार के जस्ट बगल में यहां पर एक छोटा सा, छोटा नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, नाम है लेक टिटिकाका। टिटिकाका झील का पानी दो देश शेयर करता है, एक बोलिविया और दूसरा पेरू, ये दोनों देश। और नेविगेबल है, हाईएस्ट ऊंचाई पे है, काफी ऊंचाई पे है, और नेविगेबल मतलब जिसमें नाव चलाया जा सके, जिसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सके। तो एक तो टिटिकाका है, और टिटिकाका के पड़ोस में एक और झील है यहाँ पे, और इस झील का नाम है लेक पूपो। बड़ा प्यारा नाम है ना, पूपो। तो लेक पूपो और लेक टिटिकाका दोनों एंडीज पे है, याद रखिएगा। और दोनों जो है एंडीज पे है, और जो बोलिवियन प्लेटू है ना, उस रीजन का सारा वाटर जो मानसून के कारण या वर्षा के कारण जो भी वाटर इस प्लेटू रीजन में जमा होता है, वो सारा स्टोर होता है इन्हीं दोनों लेक में, और इन्हीं लेक से बोलिविया और पेरू वाटर शेयर करता है। इस तरफ यदि हम आए, यानी कि कोस्टल रीजन पे आए, तो यहाँ एक बहुत बेहतरीन और पॉपुलर डेजर्ट एरिया है, और इस डेजर्ट एरिया को कहा जाता है अटाकामा डेजर्ट। इन वर्ड को, शब्दों को याद रखिएगा, अभी हम इन सभी शब्दों पर दोबारा आपसे चर्चा करने वाले हैं कि अटाकामा डेजर्ट भी फेमस है किसके लिए। तो कभी आपने सुना होगा एक वर्ड अल नीनो सुना होगा, तो जो अल नीनो है, या फिर एक और वर्ड सुना होगा ला नीना, नहीं सुना है तो मेरे मुंह से जरूर सुनिएगा। तो अल नीनो और ला नीना जो है वो इसके, इस अटाकामा डेजर्ट का बड़ा गहरा कनेक्शन है अल नीनो और ला नीना से। डेजर्ट में भी बाढ़ ला देती है ये अल नीनो, तो हम आगे चलकर आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे अल नीनो ला नीना का क्या रिश्ता क्या है अटाकामा डेजर्ट के साथ। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे तीन चीज पे, एक बोलिविया प्लेटू को डिस्कस कर रहे थे जो इंटर माउंटेनियर प्लेटू है, और साथ में डिस्कस कर रहे थे दो झीलों को, एक लेक टिटिकाका जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और दूसरा हम चर्चा कर रहे थे लेक पूपो पे। पूपो और टिटिकाका दोनों झील एंडीज में है, और ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल यानी नौकायन के लिए प्रयोग में आने वाला जो झील है वो टिटिकाका है। चले अगले दौर पे, अगले मुद्दे पे चलते हैं कि अब हम माउंटेन्स तो देख लिए लगभग, जो एंडीज है इसके अलावा जो माउंटेन है उस पर चर्चा हम करेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां और भी है कई सारी यहाँ पे, लेकिन जो मेन पहाड़ी थी वो एंडीज थी जिस पर आप डिस्कस कर रहे थे अभी। अब हम चलने वाले हैं कि प्लेटूज कौन कौन से हैं, कितने पठार हैं पूरे साउथ अमेरिका में। पठार तो और भी हैं, लेकिन अभी नॉर्थ के पठार देख रहे हैं अभी हम। नॉर्थ की चोटियां देखी हमने, नॉर्थ के माउंटेन सीरीज देखे हमने, तो अब नॉर्थ के प्लेटूज को भी देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा। कौन कौन सा प्लेटू, देखिए प्लेटूज जो होता है ना, प्लेटूज और माउंटेन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस एक सिंपल सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि जो प्लेटूज होते हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी ऊपर से डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डोम मतलब गुंबद, डोम बोले तो गुंबद, गुंबद जैसी संरचना होती है प्लेटूज की। और जो पर्वत जो होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं, उनमें चोटियां होती है, नुकीली चोटियां। अब एक मासूम सा सवाल आपके दिल में आ रहा होगा कि सर माउंटेन और प्लेटू तो सब बताते हैं, सर हिल क्या होता है फिर? ठीक है, पर्वत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम एक और शब्द सुनते हैं पहाड़ी, और एक और सुनते हैं फिर पठार, कभी कभी कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है उच्च भूमि। तो माउंटेन्स हिल्स में क्या फर्क है ये भी तो बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो एक होता है लोटा और दूसरा होता है लोटकी, ठीक है। तो वैसे ही होता है पर्वत, पहाड़ और पहाड़ी, आकार बदलता जाता है, आकृति नहीं बदलती, शेप वही होता है और साइज बदलता जाता है। लोटा और लोटकी का आकार सेम होता है, लोटा थोड़ा बड़ा होता है और लोटकी छोटी होती है, आकार छोटी हो जाती है। तो वैसे ही पर्वत जो है उसका आकार और विस्तार थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम आकार विस्तार जो होता है पहाड़ का होता है। और यदि हम पहाड़ को भी यदि और ज्यादा देखें, और ज्यादा वो संकीर्ण है लेकिन आकार वही है, तो हम पहाड़ी पुकारते हैं। लेकिन पठार पे जब आते हैं तो इनका आकार पर्वत, पहाड़ और पहाड़ी से अलग होता है, ठीक है। कैसे? उन सबों के आकार में चोटियां दिखेंगी आपको, भी से ऐसा डिजाइन दिखेगा आपको, लेकिन जब आप पठार पे आएंगे तो ये गुंबद दिखेगा। वो जो ऊपर का नुकीला वाला भाग है ना, ये नुकीला वाला भाग जो है वो अब्सेंट आपको मिलेगा।
तो चलिए, ये सब छोटी सी समझदारी वाली बात थी जो हम जानते हैं कि पूरी तरह आपको पहले से क्लियर रहा होगा। आगे चलते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सा प्लेटू है। ठीक है, तो पहला प्लेटू जो साउथ अमेरिका में हमको दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, वो प्लेटू है बर्बारोमा का पठार। ये बर्बारोमा का पठार, वो जो हम अमेजन का डब्ल्यू बनाते थे ना, और डब्ल्यू के बाद जो हम भी जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे, ये वाला भी वाला स्ट्रक्चर, भी वाला स्ट्रक्चर में जो कोना था, इकोनोमा में स्थित है कौन, बर्बारोमा का पठार। अब बर्बारोमा का पठार काहे इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसका कारण है कि बर्बारोमा के पठार में मिनरल्स मिलता है। किसको? ब्राजील को। कई तरह के मिनरल्स हैं वहां पे, थोड़ा बहुत हल्का फल्का आयरन है, कुछ क्वांटिटी में लिटिल बिट कोल भी है, हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोल बहुत कम मिलता है। एक तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, और उधर ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ मिलता है एक दो जगह पे, और इधर यदि हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो ये जो प्लेटू है ना बर्बारोमा, इसमें भी थोड़ा सा कोल और ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, आयरन ओर है। चलिए, बर्बारोमा पठार हम बाद में भी देखेंगे। अब उसके बगल में जो ये लाल लाल दिख रहा है एकदम सेव रंग, ये जो एरिया है ये ब्राजील हाईलैंड है। ब्राजीलियन हाईलैंड को आप पुकार सकते हैं ब्राजील का पठार भी, और इस ब्राजील के पठार में वही चीज फिर से आपको मिलेगा, आयरन ओर भी मिलेगा और थोड़ा बहुत कोल भी मिलेगा। लेकिन एक अंतर है दोनों में, जो बर्बारोमा का प्लेटू है कोनो कर्म के नहीं है, मतलब वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज्यादा दिखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया सिटी भी मिलेगा यहाँ पे, जैसे साओ पोलो जो आप सुने थे और रियो डी जनेरियो जो सुने थे, वो सब आपको ब्राजीलियन हाईलैंड में देखने को मिल जाएगा। और एक और बात, बहुत सारा चीज ऐसा है जो आप भारत में खाते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि वो भारत का नहीं है, विदेश से आया है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि जो आप पाइन एप्पल खाते हैं, यानी कि अनानास जो खाते हैं, वो इंडोजिनस कहाँ का है, स्थानिक कहाँ का है, तो वो ब्राजील का है। तो हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन आप जान लीजिए कि जो इंडोजिनस प्लांट की बात करते हैं, जो प्लांट का जहाँ का मतलब अस्थाई निवास था, मतलब जहाँ की वो पैदाइश है, दुनिया को जिसने दिखाया सबसे पहले पाइन एप्पल खाने वाला चीज है, वो ब्राजील था। यानी ब्राजील में ये जो एरिया है ना, ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पे दो चीज खूब ज्यादा उगता है, अपने आप ही उग जाता है। एक तो अनानास उगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे, और दूसरा चीज जो उगता है वो है सुगर केन, गन्ना भी बहुत ज्यादा उगता है। तो गन्ना और पाइन एप्पल के मामले में जो ब्राजीलियन आइलैंड है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। आगे यदि हम देखें तो दूसरा पठार है प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो। ठीक है, तो प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो जो है, ये भी एक तरह का पठार है, और एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इसका है थोड़ा बहुत, प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो का। और अगला हम देखेंगे अमेजन का रिवर बेसिन। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पठार तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके ब्राजील और नॉर्थ साउथ अमेरिका के रीजन में, जो मैक्सिमम एरिया कवर है ना, वो इसी अमेजन रिवर बेसिन से क्लियर है। इसको हम अलग से बहुत डीप में आपको अमेजन उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से बताएंगे अभी, लेकिन अभी बस देख लीजिए कि तीन गो पठार है यहाँ पे, एक बर्बारोमा का पठार, एक ब्राजील का पठार, एक माटो ग्रासो का पठार, और अगला पठार है गुयाना का पठार। गुयाना के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। एक तो ये गुयाना पठार है, और एक होता है गुयाना पक्षी। गुयाना पक्षी जो है अटाकामा डेजर्ट वाला जो कोस्टल रीजन है ना, जिधर प्रशांत महासागर है, ये एंडीज के किनारे किनारे, इस रीजन में आपको बहुत ज्यादा गुयाना पक्षी देखने को मिलेगा, जो मछली खाती है और फास्फोरस बिट करती है, यानी जो उसका पॉटी है उसमें फास्फोरस 80-89% तक होता है, समटाइम्स 90% तक होता है। तो इसलिए उसके बिट को जमा करते हैं पेरू के गरीब लोग, और जमा करके उसको सरकार को बेचते हैं और ठेकेदारों को बेचते हैं, और उससे रॉ मटेरियल का काम करता है वो सारा का सारा बिट, गुयाना पक्षी। बाद में ये गुयाना पक्षी कुछ दिन के लिए यहाँ से चला भी जाता है, जब यहाँ लीनो आता है और खाने का मछली नहीं मिलता है, तब यहाँ से वो कुछ दिन के लिए अफ्रीका की तरफ माइग्रेट कर जाता है, फिर जब नॉर्मल हो जाता है कंडीशन तो फिर लौट आता है, चला जाता है। तो बड़ा दुख होता है किनारे के जो मछुआरे उछुआरे हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, और आ जाता है तो फिर इकोनॉमी में बाहर आ जाता है। आगे देखिए, गुयाना जो हाईलैंड है उस पे चर्चा करेंगे हम आगे चल के। गुयाना कंट्री में ये पहला है, और यहाँ से एक नदी भी निकली है जिसको अरनिको नदी कहते हैं, और इसी पे वो जो एंजल फॉल है, यहीं से निकलने वाली नदी बनाती है एंजल फॉल। चलिए आगे चलते हैं, हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं आपसे। पठार याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा पठार है,
ब्राजीलियन पठार, बारबारोमा पठार और गुयाना, तीन को पठार इधर बताए हैं। दक्षिण में आपको एक और पठार बताएंगे, पेंटागोनिया का पठार, जो अर्जेंटीना में है वो पेंटागोनिया का पठार है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, ठीक है। वहां पे कोल्ड डेजर्ट भी है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमने अभी डिस्कस किया आपसे सारे प्लेटूज के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेटूज के अगले पॉइंट के बारे में कि वन बाय वन करके इन सारे प्लेटूज जो अभी देखे ना, बारबारोमा प्लेटू या ब्राजीलियन प्लेटू या प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो या अमेजन रिवर बेसिन या गुयाना आइलैंड, इनके इंपॉर्टेंस पे भी हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि क्या फायदा है, यहाँ पे होता क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे मेनली देखने को मिलती है। तो यदि हम चर्चा करें इसमें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलता है यहाँ पे, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे गुयाना हाईलैंड पे। गुयाना हाईलैंड में एक तो एक खास तरह का घास का मैदान मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो किसी कोनो करम के नहीं है और इसलिए यहाँ उपजाऊ भी नहीं होता। इसको इस एरिया को इसको कहते हैं क्रेटोन। इसके अलावा वर्षा के कारण अक्सर यहाँ पे खेती करने लायक जमीन तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी कुछ एरिया में थोड़ा बहुत उपजाते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर एरिया खेती के लायक नहीं। हम आपको फोटो दिखाएंगे जिसमें कि गुयाना हाईलैंड के आसपास जो घास का मैदान है, उस घास के मैदान का आपको इमेज देखने को मिलेगा, जिसको लानोस घास का मैदान बोलते हैं, जो वेनेजुएला में मेनली है, लेकिन शुरू उसका कुछ एरिया शुरू हो जाता है गुयाना प्लेटू के पास से ही। गुयाना प्लेटू का विस्तार केवल गुयाना में नहीं है, कुछ इसका विस्तार वेनेजुएला तक पहुंच गया है। अच्छा, ये एरिया विषुवत रेखा के बहुत करीब है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है और उस वर्षा के कारण घने जंगल मिलते हैं। यदि खनिज की बात करें तो गुयाना में सोना है, हीरा है, आयरन ओर है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर लाइमस्टोन भी हल्का फल्का मिलता है देखने को, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल जो एंजल फॉल है वो यही है, और जो नदी है ना छोटी वाली नदी, योरनिको की सहायक नदी है, ठीक है, उसका नाम है कैरोनी रिवर। कैरोनी रिवर जो एक्चुअल एंजल फॉल है वो कैरोनी रिवर पे है, ठीक है, इसको एक बार देख रिवाइज कर लीजिएगा। एक्चुअल एंजल फॉल जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल है वो कैरोनी रिवर पे है। हम बारबारोमा पठार की बात करें, ये भी अर्ध मरुस्थल है, पतझर झाड़ियां मिलती हैं, कटीली झाड़ियां मिलती हैं, कोनो करम का नहीं है, और थोड़ा बहुत यदि देखें तो आयरन ओर हल्का सा मिलता है, तनी सा कोल मिलता है, यानी लिमिटेड, इतना नहीं है कि इसके इससे निकालने के लिए खर्चा किया जा सके, जितना का बाद में बात करेंगे इस पर, मतलब जितना आप खर्च करेंगे उस हिसाब से यहाँ निकलने वाला नहीं है कोल और आयरन ओर, बहुत लिमिटेड अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगला पॉइंट में चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हम इम्पोर्टेंस देख लिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे जो घास का मैदान है उसकी तरफ। कौन कौन घास का मैदान उत्तरी भाग में है, नॉर्थ और साउथ में बांट के पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए नॉर्थ को पहले लेके चल रहे हैं। सबसे पहले वेनेजुएला में एक घास का मैदान है लाइनोस। घास के मैदान पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे हम आपको, जिसमें दोनों तरह के घास के मैदान आपको पढ़ाएंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। इसमें से टेम्परेट ग्रासलैंड ज्यादा फर्टाइल होता है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तो कोनो क्रम का नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ट्रॉपिकल रीजन में या तो वर्षा का अभाव होता है या वर्षा बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा हुआ तो भी चौपट, कम हुआ तो चौपट है ही। तो लाइनोस जो है ये वेनेजुएला का घास का मैदान है, कोनो करम का नहीं है, उपजाऊ नहीं है। और दूसरा गुयाना के नीचे जिसको आप अमेजन का वो जो रीजन कह रहे थे ना, पूरा अमेजन वाला रीजन, ये रीजन दरअसल इस घास के मैदान को एक अलग से नाम दिया जाता है सेलवास। सेलवास घास का मैदान जो होता है वो ऐसा घास का मैदान, फोटो दिखाएंगे हम सारे घास के मैदानों का, अभी बस समझ लीजिए जो अमेजन का जंगल है उसको दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं अमेजन के जंगल को। इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी जमीन को छू नहीं पाती है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है कि सनलाइट पेनिट्रेशन जो होता है जीरो होता है, और जब सनलाइट नहीं पहुंच पाता है जमीन पे और वर्षा रोज दोपहर के बाद होती है तो वर्षा का पानी थोड़ी ना रोकेगा, पेड़ नीचे चला ही आता है वर्षा का पानी, और उन पेड़ों के जो पत्ते नीचे गिरते हैं और पेड़ों के जो अवशेष नीचे गिरते हैं वर्षा के पानी के संपर्क में आके और सूरज की रोशनी तो पहुंचती नहीं है तो सड़ के बना देते हैं दलदल, और मेथेन बहुत ज्यादा रिसता है, सड़ता है, दलदल बनता है इस एरिया में। अब ऐसे रीजन में आप चाहते हैं खेती करें तो आप ही भगवान मालिक है, आपका अल्लाह मालिक है, आप इस एरिया में खेती करने के लायक नहीं है, लेकिन
हाल फिलहाल में मानव ऐसा जानवर है ना, मानव जो है ऐसा जानवर है उसका बस चले तो टट्टी करने चांद पे जाए, ठीक है। तो मानव कहीं भी नहीं छोड़ता। अलास्का में गेहूं उपजा रहा है यूएसए, तो ब्राजील भी पीछे क्यों रहेगा, जबकि एग्रीकल्चर उसकी इकोनॉमी का आधार है। तो ब्राजील क्या करेगा, ब्राजील रिसेंटली क्या कर रहा है, दो चीज की खेती ज्यादा कर रहा है। एक सोयाबीन की खेती ज्यादा कर रहा है। आप पूछेंगे क्यों, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। सवाल आपके दिल में जो भी उठे हम कोशिश करेंगे समझने का। ब्राजील सोयाबीन की खेती क्यों कर रहा है, नहीं करेगा खेती सोयाबीन का तब खाएगा क्या वाली बात है। और रबड़ की खेती ज्यादा कर रहा है, दरअसल सोयाबीन से वो चारा बनाता है मुर्गे के बच्चों के लिए, चिकन के लिए। चिकन का वेट बढ़े इसके लिए प्रोटीन चाहिए, जो प्रोटीन लेते हैं ना उनका वेट बढ़ता है। जो जिम में जो सांड लोग आपको देखते होंगे, बहुत सारे सांड होते हैं इधर डोले इधर सोले थोड़ा पुले डोले से, वो सब प्रोटीन का कमाल है। प्रोटीन ले लेके सूज जाता है मसल, और उसके बाद जब कभी प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, गरीबी के दिनों में प्रोटीन बड़ा महंगा होता है, तो फिर वो सिकुड़ना शुरू होता है, तो दाग दाग हो जाता है, जैसे लगता है कि कुछ दिन पहले उधर कुछ पोजिशन चेंज हुआ था बॉडी का, लाइन लाइन सा बन जाता है। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं चिकन की, मुर्गे की। जो मुर्गी फार्म है उसमें कौन सा चारा देते हैं कि 10 दिन में आधा किलो 1 किलो बढ़ने लग जाता है 10-20 दिन में। तो मुर्गी का वजन बढ़ाने के लिए जो चारा आप यूज करते हैं, उस चारा का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन बनता जा रहा है, ब्राजील। आखिर ब्राजील इतना सारा चारा उगा कहां से रहा है जो चारा सोयाबीन से बनता है। तो ये चारा उगा रहा है वो अमेजन के घने जंगलों में ही, जंगल में आग लगा दे रहा है, जंगल को साफ कर दे रहा है, और साफ जंगल होते होते ही उस एरिया में वो उगा रहा है दो चीजें, एक तो रबर उगा रहा है और दूसरा उगा रहा है सोयाबीन। अब देखो जब किसी का भला होता है ना तो सबसे ज्यादा बहुत लोगों का जलता है और लोग आरोप लगाने लगते हैं, ठीक है। तो ब्राजील जब सोयाबीन के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है और रबर के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, और हाल फिलहाल में ब्राजील में अमेजन जो है पूरा का पूरा ब्राजील में ही अमेजन का फॉरेस्ट है पूरा, ठीक है। तो जब अमेजन में जंगल में आग लगा और 45 लाख हेक्टेयर एरिया जल गया, तो पूरी दुनिया ने ब्राजील पे उंगली उठाया कि तुम जानबूझ के जला रहे हो, जलने दे रहे हो। ब्राजील का ऐसे कहना था कि मेरा अपने मामला है, अंदर का मामला है, बाहर वाले दखल ना दे। लेकिन दुनिया का आरोप यही था कि ब्राजील इसलिए अमेजन को जलने दे रहा है या जल रहा है अमेजन इतने दिनों से। आप लोगों ने भी न्यूज देखा होगा कि ब्राजील में जो ये पेड़ है वो ब्राजील जान के जला रहा था कि वहां सोयाबीन और रबर का खेती कर सके। आगे चलिए सेल्वाज में बहुत सारा, सेल्वाज को यदि आपको विजुअलाइज करना है तो आगे इसका एक न्यू वर्जन भी आएगा इन सारे वीडियोस का, जब मेरा एक बोर्ड है जो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका न्यू वर्जन आएगा, मैं उसमें एक एक वीडियो इंक्लूड कर करके दिखाऊंगा कि सेल्वाज अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। सेल्वाज अंदर से इतना घना बन दिखता है देखने के लिए, अनाकोंडा मूवी देखे होंगे, उस मूवी में जो फिल्माया गया, सांप पे फोकस मत करिएगा, जो सांप है वो तो रबड़ का होता है, असली होता तो कैमरामैन को क्या चुम्मी लेके छोड़ देता है क्या, कैमरा फिल्मा रहा है उसको तो असली सांप नहीं है, वो तो एनिमेटेड है, लेकिन उसके आसपास का जो सीन देख रहे हैं वो रियल सीन है। तो जंगल पे ज्यादा फोकस करिएगा अगला बार जब अनाकोंडा मूवी देख रहे होंगे आप, तो जरूर जंगल पे ज्यादा फोकस करिएगा, तब पता चलेगा सेल्वाज कितना घना होता है। ऐसे फोटो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन फिर भी ओरिजिनल वीडियो देखने का एक अलग मजा है। तो सेल्वाज घना जंगल है, अमेजन के जंगल को सेल्वाज पुकारते हैं। ये दुनिया का फेफड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करके यही देता है। इतना डेंस है कि सूरज का रोशनी नीचे नहीं पहुंचता, दलदली क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कुछ ऊंचे क्षेत्रों में यहाँ खेती करने के लिए मानव प्रयास कर रहा है। रबड़ की खेती ज्यादा होती है और सोयाबीन की खेती भी यहाँ पे बहुत होती है। यह है कटिंगा, जैसा नाम है वैसा काम है। कटिंगा पतिंगा मतलब ये कटीली झाड़ियों वाला रीजन है जो किसी क्रम का नहीं है। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम उपजा होगा, कुछ क्षेत्र है थोड़ा बहुत जहाँ पे पाइनएपल उगता है, कटीले का मतलब पाइनएपल भी है, ठीक है। फिर आता है कैंपास, ये भी उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है ब्राजील का, बट इस रीजन में गन्ना की खेती होती है। और सबसे इस तरफ जो है सेराटो, सेरटाओ बोलते हैं इसको, सेरटाओ, ठीक है, सेरटाओ। तो सेरटाओ जो है ये बर्बानोमा प्लेटू के आसपास वाला रीजन है, ये यूजलेस है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत यूज है। तो ये घास के मैदान जो है ये सब के सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जितने भी ग्रासलैंड अभी आपने देखे, चाहे लानोस हो, वेनेजुएला का लाइनोस हो, चाहे ब्राजील का सेल्वाज हो, चाहे ब्राजील का कटिंगा हो, या फिर कैंपास हो, या सेरटाओ हो, ये सब के सब जो घास के मैदान है, इन सबों के लिए एक ही टर्मिनोलॉजी आप यूज करिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सबके सब, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ज्यादा उपजाऊ नहीं होते, ठीक है। इसी यही कारण है
कि कृषि में बेचारा इतना बड़ा क्षेत्र है इसके पास, फिर भी कृषि में ये पीछे रह जाता है, क्योंकि सेराटाओ में कुछ उपजता नहीं, कैंपॉस किसी कर्म का है नहीं, कटिंगा में भी ज्यादा खेती नहीं होता, इसमें सुबह काट के जाओ तो शाम में पनप जाता है, इतना ज्यादा मतलब उपजाऊ नहीं होता जमीन। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होता और उसको रीजनरेट होने में बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जल्दी एक बार जंगल में आग लगी तो पुनः इसको उगने में ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हम दो उदाहरण लेते हैं, आग अमेजन में भी लगी और आग ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भी लगी, लेकिन दोनों जंगल में से रिकवर पहले किसने किया, तो आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने किया। क्यों भाई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान जो है वो टेम्परेट घास का मैदान है, और टेम्परेट घास के मैदान की मिट्टी में फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, वो जल्दी रिकवर कर जाता है। और ये जो ये बरसावन है अमेजन का, जो ये रैन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ना होना, ना यहाँ ना होता है जल्दी रिकवर। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ज्यादा जल्दी रिकवर? यहाँ होती है ज्यादा वर्षा, और वर्षा भी होती है मूसलाधार, एकदम सीधी बुंद वाली। और ये जो मूसलाधार वर्षा होती है ना इस क्षेत्र में, ये वर्षा क्या करती है, वाश आउट, समझते हैं वाश आउट, यानी ऊपरी परत जो मृदा की होती है, मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है, अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, और जो ये टॉप सॉइल है ना उसको ये धो लेती है, वाश आउट करके बहा ले जाती है। अब जब टॉप सॉइल और मोस्ट फर्टाइल सॉइल बहा के ले गई तो प्रोडक्टिविटी का तो बंटाधार हो गया, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, कम होगा प्रोडक्टिविटी ना, तो यहाँ पे रिकवर रेट कम हो जाएगा। तो सेलवाज का यानी कि बरसावन जहां जहां दुनिया में इक्वेटर के आसपास, चाहे वो अफ्रीका में आपका कांगो के दोनों तरफ हो जाए, चाहे इंडोनेशिया का जंगल हो जाए, जहां कहीं भी बरसावन है वहां पे जहां ज्यादा वर्षा होती है उस जगह पे रिकवरी रेट बहुत कम होगा, यानी एक बार आग लगा तो फिर से रिजनरेट होने में महीनों लग जाएगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी मकर के नीचे और कर्क के ऊपर वाला क्षेत्र जो है, उधर यदि वर्षा मतलब वन में यदि आग लगता है, वहां के बुश फायर होता है यदि उस क्षेत्र में, तो वह जल्दी रिकवर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वाश आउट कम होता है, क्योंकि वहां वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होती है और वर्षा का नेचर भी अलग होता है। वहां पे इस तरह दोपहर के बाद मूसलाधार वर्षा नहीं होती, यानी बहुत बड़े बड़े बूंदों वाला स्ट्रेट गिरने वाला वर्षा वहां नहीं होता है। चले आगे, उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ बातें आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, और आपका साथ मिला तो मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी खास करके दो सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन कर दूंगा, और बाकी मेरा जो टीम है वो इकोनॉमी साइंस टेक पॉलिटी सब कुछ लेके आएगी। मैं तीन चार चीज देखूंगा आपका, एक आपका ज्योग्राफी हो गया, दूसरा एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, और तीसरा मैं न्यू आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा हिस्ट्री का, खास करके जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है वो सारा रीजन मैं कवर अप करूंगा। आगे चलते हैं, तो आपने घास का मैदान देख लिया, लाइनो सेलवास कटिंगा, ठीक है, और कैंपॉस और सेरेटाओ, सेरेटाओ ये सब के सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। अब एक एक करके इन सारे घास के मैदानों का इमेज देखते हैं। देखिए ये लाइनोस है, ठीक है, एक क्या क्या है खासियत लाइनोस का, खासियत देखते जाइए और मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देता जाऊं, ठीक है। एक तो ट्रीलेस और बिल्कुल सवाना टाइप, सवाना भी ट्रीलेस होता है और ये भी ट्रीलेस है, जैसे सवाना घास का मैदान होता है उसी तरह का घास का मैदान है कौन, लाइनोस, ट्रीलेस होता है। स्वैम्पी का मतलब होता है दलदली, दलदली क्षेत्र है, ये देख रहे हैं बीच में पानी है और उधर घास है इधर घास है, तो बीच में पानी है तो आसपास की मिट्टी कैसी होगी, दलदली। काहे दलदल बना यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर के पास है ना, तो वर्षा ज्यादा होगा और वर्षा ज्यादा होगा तो इस एरियाज में क्या होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, स्वैम्प बनेंगे। और ये अपने भाई लोग स्वैम्प मैस करने वाले भाई लोग हैं, समझ रहे ना, बिरादरी इनकी, हाँ, तो ये इस तरह के जानवर, ये पिग्मी हॉक है यानी सुअर हैं छोटे छोटे, तो ये ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं देखने को। डायवर्सिटी में तो, बायोडायवर्सिटी में तो काफी रिच होता है, इक्वेटोरियल वाला जो जोन होता है वो ज्यादा रिच होता है। तो ये लाइनोस था, एक नजर मार दिया आप लाइनोस पे, लाइनोस घास के मैदान के बाद अब आते हैं हम अगले घास के मैदान पे, और ये है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जब हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि देखिए ये एक तरह से इतना डार्क होता है, मतलब डार्क इन द सेंस क्या, कवर अप होता है, कि आपको जमीन दिखना दुर्लभ हो जाएगा। और ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट डेंस होता है, हाईली डेंस होता है, रिच इन बायोडायवर्सिटी होता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस एरिया में। अगले पॉइंट पे आप गौर करते हैं, थोड़ा सारे घास के मैदान का इमेज देख लेते हैं, इससे माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि लाइनोस और
इक्वेटोरियल सेल्वाज और लाइनोज में क्या फर्क है? यहाँ ये एक तरफ, इस तरफ ये लाइनोज है और इस तरफ सेल्वाज है, इनमें फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कटिंगा। देख के ही समझ में आ गया होगा कटिंगा। एक तो ये पतझर जैसा फील दे रहा है, डेसिड्यूअस पतझर वाला फील है, और थॉर्नी स्क्रब लैंड है, इसको पहचान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। कैक्टस वाला रीजन है और बियाबान रीजन है, पठारी क्षेत्र है कटिंगा वाला। ये ब्राजीलियन पठार का क्षेत्र है और इसमें मिनिमम मिलता है कौन आपका बायोडायवर्सिटी में तो थोड़ा पुअर है एज कम्पेयर एज सेलवास, और ग्रासेस ज्यादा होते हैं, कटीली झाड़ियां होती हैं, जानवरों की संख्या भी कम होती है। ये है कटिंगा। कटिंगा के बाद आता है कैंपास। कैंपास थोड़ा प्रोडक्टिव है, यहीं पे आप जो उगाता है वो पाइन एपल उगाता है, सुगर केन उगाता है, यानी गन्ना की खेती करता है, और किसकी खेती करता है, अनानास की खेती करता है इसमें। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है ये, और इसमें खेती करता है ब्राजील, यहाँ उगाता है कुछ फसल। आप जमीन देख के भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे खेती पॉसिबल है, लेकिन इधर खेती पॉसिबल नहीं है। अगला बच गया एक सरटाओ, उसको भी देख लीजिए, तभी आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। सरटाओ भी देख लेते हैं, ये रहा सरटाओ। अब जब हम सरटाओ को देखते हैं तो क्या लग रहा है आपको, कटिंगा का भाई नहीं लग रहा है ये? सरटाओ जो है कटिंगा से भी एक कदम आगे है। कटिंगा से एक कदम आगे कैसे है, तो सरटाओ में, कटिंगा में तो थोड़ी बहुत हरियाली थी भी, ग्रीनरीज थी भी, यहाँ 100% ये ड्राई है, ठीक है, ड्राई स्क्रब लैंड है, और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया ही बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है। सरटाओ जो है मेनली कहाँ है सरटाओ, तो आपको पता है बारबारोमा प्लेटू के आसपास है। तो साउथ अमेरिका को पूरी तरह से समझते जाइए, एक तो आपने देखा लाइनोस, फिर देखा सेल्वास, फिर देखा कटिंगा, और कटिंगा के बाद देखा आपने एक कैंपास, कैंपास के बाद देखा सरटाओ। इनमें से काम का कौन लगा आपको ब्राजील में, तो कैंपास। ब्राजील की जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करती है, सेल्वास पे और कैंपास पे, ज्यादा कैंपास पे और थोड़ा सा सेल्वास पे। बाकी जो लान वो जो बाकी जो कटिंगा और सरटाओ है दोनों कर्म के नहीं है। आगे चलते हैं हम, अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हम ग्रासलैंड देख रहे थे, तो अब हम आगे चलते हैं। ग्रासलैंड हमने समझ लिया लगभग, अब नॉर्थ का पूरा मामला हमने एक बार समझ लिया, अब जरा हम साउथ की तरफ सफर करते हैं। साउथ में तीन घास का मैदान है, साउथ में, साउथ अमेरिका में। अब घास का मैदान पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ घास का मैदान ही निपटा लेते हैं। ऊपर जो घास के मैदान थे वो आपने देख लिए, कौन कौन थे, लानोस था, सेल्वास था, कटिंगा था, और कैंपास था, और सरटाओ था, सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे और किसी कर्म के नहीं थे। नीचे जो इस तरफ जो घास का मैदान है, एक तो है ग्रान चाको, ये एक तरह का दलदलीय क्षेत्र है जो एंडीज के ठीक बगल में, जैसे इस ढलान है ना एंडीज का ढलान, इन ढलान पे अर्जेंटीना में पाया जाता है, नाम है ग्रान चाको, ये दलदली है, ठीक है। ग्रान चाको क्या है, एक दलदली घास का मैदान है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन दलदल में भी कुछ चीजें उगा ही लेते हैं, मानव बहुत ही दुर्लभ प्राणी है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड और मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रास लैंड ऑफ होल ऑल ओवर दी साउथ अमेरिका है, वो है पंपास। पंपास घास का मैदान बहुत उपजाऊ है, और हम इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लें एंट्रेरियोस। एंट्रेरियोस जो है, रियो एक वर्ड है जो नदी के लिए यूज होता है, ठीक है, तो रियोज, एंट्रेरियोस का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जगह। यहाँ पे एक नदी इधर से आती है पराना, एक नदी दूसरी तरफ से आती है परागवे, और एक बगल से आती है उरुग्वे। तो पराना परागवे के बीच में जो जमीन है बड़ी उपजाऊ जमीन है, इसी को कहते हैं एंट्रेरियोस, और इसको तो पहचान ही रहे हो आप, आपने पहले देखा था, ये रियो डी ला प्लाटा है जो आपको लैंडमार्क में हमने यूज किया था पिछले वीडियो में, कि लैंडमार्क से कैसे मैप बनाते हैं, ये रियो डी ला प्लाटा। तो रियो डी ला प्लाटा यानी एक गल्फ है जिसमें इस तरफ जो है मॉन्टेविडियो यूरोपीय की कैपिटल, और इस तरफ ब्यूनस आयर्स। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली G20 का समिट देख करने के लिए गए थे अपने मोदी जी, यहीं पे गए थे, ब्यूनस आयर्स में गए थे, ठीक है, और ये मॉन्टेविडियो नाम का, ये दोनों कैपिटल टाउन है, और बीच में ये रियो डी ला प्लाटा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा था बोलिविया प्लेटू था, और नीचे हमने कहा था एक और प्लेटू है जिसको पेंटागोनिया का पठार कहते हैं, जैसे अपना ले लद्दाख है वैसे है पेंटागोनिया का पठार। ये भी कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है, कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है। ओवरऑल देखें तो अब आप साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट भी समझ चुके हैं, और साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट भी समझे हैं, लेकिन अभी तक आपने समझा क्या क्या,
एक तो माउंटेन देखा, दूसरा प्लेटू देखा और तीसरा ग्रासलैंड देखा। अभी नदियां बाकी है यानी ड्रेनेज पैटर्न और क्लाइमेट बाकी है। अभी हम और भी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बार जान लीजिए ग्रान चाको एक दलदली मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड का टाइप है। पंपास एक मोस्ट प्रोडक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड है पंपास। वहां पे अल्फा अल्फा नाम का एक घास बहुत ज्यादा उगता है और एक खास तरह की कृषि को विकसित किया है अर्जेंटीना ने, जिसको लाइव स्टॉक रेंचिंग कहते हैं। क्या होता है लाइव स्टॉक रेंचिंग, इसकी बात हम जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले स्लाइड्स पे आएंगे हम डिस्कस करेंगे लाइव स्टॉक रेंचिंग क्या होता है। पंपास बहुत फेमस है, पहले अर्जेंटीना इसी पंपास में गेहूं का प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को गेहूं निर्यात करता था दुनिया भर को, लेकिन अब उसने पंपास को डिफरेंट तरीके से यूज करना शुरू किया है लाइव स्टॉक रेंचिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को वहां डेवलप किया है। ठीक है, अपने देश में भी इसकी जरूरत है कि हम भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने की ओर थोड़ा कदम बढ़ाएं। आगे चलते हैं, ग्रान चाको देख लेते हैं, ग्रान चाको को अंदर से कि दिखता कैसा है ग्रान चाको, और इसको भी पंपास को भी इमेज से देख लेते हैं कि कैसा दिखता है पंपास, और एंट्रे रॉयस को भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है एंट्रे रॉयस। इन तीनों घास के मैदानों को इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे चलते हैं, ये है ग्रान चाको। आप कहेंगे कि ग्रान चाको यहाँ है, दलदल कहाँ है? मे भी आपको थोड़ा फील आया कि भाई आपने बोला था ग्रान चाको में दलदल है, तो दलदलीय क्षेत्र जो है ना स्वैम्पी रीजन सिर्फ ग्रान चाको में एंडीज के किनारे किनारे है, पूरे ग्रान चाको में दलदल नहीं है। ग्रान चाको एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, एक घास का मैदान है ग्रान चाको, जो जहां पे कुछ वैरायटी ऑफ ट्रीज दिखते हैं और सेमी एरिड है। क्यों? ये रैन सेडो रीजन में पड़ जाता है। सेमी एरिड मना अर्ध शुष्क प्रदेश, हॉट सेमी एरिड फॉरेस्ट रीजन है ग्रान चाको, और कुछ एरिया में स्वैम्प भी यानी दलदल भी मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, इंट्रोरायोस। इंट्रोरायोस क्या है? बिटवीन द रिवर को ही स्पेनिश लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रोरायोस, इंट्रोरायोस, दो नदियों के बीच का दो आब क्षेत्र। बहुत प्रोडक्टिव है और यहाँ पे अर्जेंटीना काफी कुछ उगाता है। आपने ग्रान चाको और इंट्रोरायोस तो देख लिया, अब एक चीज और देख लीजिए आप, जो अर्जेंटीना की जान है और अर्जेंटीना की स्थान है, पूरी अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है उसी पे डिपेंड करती है। उसको पुकारते क्या हो आप, किस नाम से? पंपास के नाम से पुकारते हो। ठीक है, पंपास के नाम से आप पुकारते हैं उसको। आइए देखते हैं पंपास। ये पंपास ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रासलैंड है, और यहाँ पे खास घास अपने आप उगता है, जिस घास को पुकारते हो आप किस नाम से? अल्फा अल्फा नाम के घास यहाँ पे अपने आप उगता है। ये जो अल्फा अल्फा ग्रासलैंड है ये एनिमल के लिए वरदान है, एनिमल को ये इतना ज्यादा प्रोटीन रिच होता है, ह्यूमन भी खा ले तो उसको भी प्रोटीन मिलेगा, प्लांट प्रोटीन। एनिमल्स को वेट बढ़ाने के लिए, एनिमल को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, गेहूं के उत्पादन के लिए भी ये बहुत ज्यादा, व्हीट कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये पंपास ग्रासलैंड है, और ये है अपना, हमने बोला था ना कि आपको बिल्कुल वही वाली फीलिंग देगा, आपको शक होगा कहीं ये फोटो ले लद्दाख का तो नहीं है, तो मैं बता दूं नहीं, ये पेंटागोनिया का पठार है, कोल्ड डेजर्ट है ये। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, कहीं पे एक भी ट्री दिख रहा है आपको? कहीं ट्री नहीं दिख रहा है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। तो अब तक ग्रास के मैदान पूरे साउथ अमेरिका में कितने हैं आपको समझ में आ गया होगा, माउंटेन एंडीज समझ में आ गया आपको, और प्लेटू समझ में आ गया होगा आपको। एक कदम और भी आगे बढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम इन सारे पीपीटीज को खत्म कर लें। अब आपने पर्वत पढ़ लिया, घास के मैदान पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, और मैंने कहा था इसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, रिवर्स। साउथ अमेरिका में रिवर्स कौन कौन है? ऐसे तो मेन अमेजन और अनीको, एक मैगडलीना तीन है, और नीचे पराना पराग्वे उरुग्वे और निग्रो, कोलोराडो निग्रो, कुल मिला के 5-10 नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन बाय वन करके हम इनमें से एक एक करके नदियों को देखते हैं। ठीक है, नदियों का जाल तो दिख रहा है आपको, पूरी तरह से जाल की तरह दिख रहा होगा नदियां यहाँ पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कहां पे कौन सी नदी है। ठीक है, तो यदि आपको दिख रहा हो, शायद उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो रिवर है यहाँ की साउथ अमेरिका की, कौन कौन सी रिवर है साउथ अमेरिका की यहाँ पे? तो एक तो जो आपकी अमेजोन हो गई, ये रिवर जो यहाँ जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से स्टार्ट हुई और
डब्ल्यू से स्टार्ट हुई और ये जो रीजन हो गया ये अमेजन का माउथ हो गया, और ये जो पोर्शन देख रहे हो जो रेड कलर से मैं खींच रहा हूं ये पूरा का पूरा अमेजन नदी वाला पार्ट है, जो दो नदियों, दो एंडीज से निकलने वाली दो नदी है, ये दोनों नदी जाके इसका निर्माण करती है अमेजन की। अमेजन नदी की दोनों और की सहायक नदियों का नाम याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, एक टोपाजोस याद रखिएगा, एक मडारिया, मडारिया याद रखिएगा, मडारिया टोपाजोस ये राइट साइड से मिलती है, और उस तरफ से कौन है, जापुरा, एग्जाम में ज्यादा पूछता है, जापुरा और रियो निग्रो, रियो नेग्रो जापुरा वो लेफ्ट साइड से आके मिलती है, और राइट साइड से कौन, मडारिया डायरेक्ट मिलता है और जापुरा डायरेक्ट मिलता है, और जिंग, ये जिंग रिवर है, जिंग एक्स आई एन जी जी वाई जिंग रिवर है, जिंगजी रिवर, जिंग रिवर भी मिलता है, और लास्ट में दो रिवर यहाँ पे और ज्यादा दिखेगा आपको, मेनली आपको चार याद रखने, देखिए ज्यादा डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत है, चार नदियां याद रखिएगा, मडारिया टोपाजोस और रियो निग्रो और जापुरा, ये अमेजन के ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं अमेजन की, है। चार नदियों का नाम याद रखना जरूरी है आपको, टोपाजोस, मडारिया और उधर रियो निग्रो और जापुरा, ये चारों जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी, अमेजोन की सहायक नदी है। दूसरे की बात करें हम यदि, ठीक है, तो दूसरा जो रिवर सिस्टम है पराना परागवे उरुग्वे रिवर सिस्टम है। अब ये पराना परागवे उरुग्वे रिवर सिस्टम कहां से कहां तक फैला है भाई, ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है ना मिडिल वाला रीजन, ये पूरा पराना परागवे उरुग्वे रीजन है, और ये जो रीजन था पूरा का पूरा ये रीजन, ये पूरा अमेजन रीजन था, यानी कि कुल मिला के चार रिवर सिस्टम है साउथ अमेरिका में, रिवर सिस्टम अमेजन रिवर सिस्टम ये रहा, और पराना परागवे उरुग्वे रिवर सिस्टम, ये दो बड़ी रिवर सिस्टम है, और इसके अलावा दो तीन चार, चार नदी जो है वो अलग से है, एक कौन, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसका नाम है, साओ फ्रांसिस्को, ये साओ फ्रांसिस्को रिवर है, साओ फ्रांसिस्को, इसी के किनारे किनारे वो नगर है ना वो साओ पोलो, साओ फ्रांसिस्को रिवर है, और इस तरफ एक रिवर इसका ओरा निको नाम है, जो वो उसमें गिरती है जाके माराकाइबो लेक में गिरती है ओरा निको, और यहाँ एक रिवर है मैग्डलिना। तो सिंगल सिंगल रिवर यदि देखें तो तीन सिंगल रिवर देख क्या ऊपर में, और एक सिंगल रिवर नीचे है यहाँ पे जिसको कोलाराडो कहते हैं, ठीक है, और कोलाराडो में एक और नदी मिलती है जिसको डेल सलादो कहते हैं, ठीक है, डेल सलादो। तो सलादो रिवर जो है वो एक सलादो रिवर ऊपर है और एक डेल सलादो रिवर अलग है। तो कोलाराडो रिवर, देखिए कुल मिला के आपको रिवर्स कितने याद करने हैं, मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहला रिवर सिस्टम आपका कौन सा हो गया, अमेजन रिवर सिस्टम, अमेजन नदी तम, ये पहला हो गया। दूसरा, इधर जगह है मुझे लगा कि इधर लिख नहीं पाएंगे तो इसलिए इधर ही लिखता हूँ, ब्लैक रेड थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो पहला रिवर सिस्टम कौन था साउथ अमेरिका का, अमेजन रिवर सिस्टम, ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम था, ठीक है। दूसरा रिवर सिस्टम कौन सा है, दूसरा है पराना परागवे और यूरुग्वे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रिवर सिस्टम है, ये दो बड़े रिवर सिस्टम हो गए। इसके अलावा सिंगल सिंगल कौन कौन है, तो तीसरा नंबर आता है ओरो निको का, ये बहुत फेमस है बिकॉज इसी की सहायक नदी जो थी वो एंजल फॉल बनाती है। चौथा जो है मैग्डलिना, मैग्डलिना एक नदी है जो बिल्कुल सेंट्रल जो एंडीज था ना सेंट्रल कार्डिलेरा उसके पैरेलल बहती है, यानी एक तरफ पूर्वी कार्डिलेरा एक तरफ पश्चिमी कार्डिलेरा बीच में सेंट्रल कार्डिलेरा और उसी के पैरेलल बहती है मैग्डलिना। और हाँ, मैग्डलिना एकमात्र ऐसी नदी है जो पैसिफिक ओशियन में गिरती है, बाकी सब नदी जो है वो कैरिबियन और अटलांटिक में गिरती है। मैग्डलिना इकलौती सिंगल पीस है जो पैसिफिक ओशियन में गिरती है मैग्डलिना, ठीक है। मैग्डलिना जो है वो सॉरी कैरिबियन सी में गिरती है, यहां पे तो कैरिबियन सी दिखा रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, मैग्डलिना कैरिबियन सी में गिरता है, ठीक है, ठीक है, आगे आगे देखते हैं, कैरिबियन सी में गिरता है, और क्योंकि एंडीज होने के कारण पैसिफिक में कोई नहीं गिर पाता है, पैसिफिक में कोई भी नहीं गिरता बिकॉज ऑफ एंडीज, तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे फिर से। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ,
तो हम रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और रिवर सिस्टम में हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि कौन कौन सा रिवर है जो साउथ अमेरिका में अवेलेबल है। एक तो मैगडलीना देखा था आपने, दूसरा कौन सा देखा था मैगडलीना के अलावा, आपने देखा था एक साओ फ्रांसिस्को रिवर है, साओ फ्रांसिस्को, माफ कीजिएगा मैगडलीना पैसिफिक में नहीं गिरती, एंडीज को क्रॉस नहीं कर सकती कोई नदी इधर, तो इसलिए जो मैगडलीना है वो नदी कैरिबियन सी में गिरती है, तो कैरिबियन सी में गिरने वाली एकमात्र नदी है ये। बाकी ओरिनोको जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में गिरती है, बाकी ये अमेजन वाला सीन जो है नॉर्थ अटलांटिक में गिरता है, परानापराग्वे साउथ अटलांटिक में गिरता है, और नीचे एक नदी मैंने बताया था ना कोलोराडो रिवर, कोलोराडो भी साउथ अटलांटिक में गिरती है, बाय मिस्टेक मैं पैसिफिक बोल रहा था, कंफ्यूजन था। ये मैगडलीना जो है वो गिरती कहाँ है, कैरिबियन सी में गिरती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, नदियों को हमने जहां तक हुआ देख लिया कहाँ पे कौन सी नदी है। तो अमेजन रिवर सिस्टम, परानापराग्वे उरुग्वे रिवर सिस्टम, ओरिनोको और मैगडलीना रिवर सिस्टम, पांचवा हो गया साओ फ्रांसिस्को रिवर सिस्टम जो ब्राजील की नदी है, और छठा हो गया कोलोराडो रिवर सिस्टम। तो कोलोराडो, ये छह नदी का आप रिवीजन कर लेंगे कि छह नदी, तो इससे ज्यादा बाहर कोई नहीं आता। और डेल सलाडो जो है कोलोराडो की सहायक नदी है, और केबल सलाडो जो है वो परानापराग्वे उरुग्वे की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, नदियां हमने डिस्कस कर ली और अब डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, नदी हमने देख लिया वन बाय वन करके, रिवर सिस्टम को एक बार और थोड़ा लार्ज करके देखेंगे, इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, तो आपको इसको देखने में हो सकता है कि परेशानी हो रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। तो हम एक और स्लाइड ले लेते हैं जिसमें एक एक करके इन रिवर सिस्टम पे ही हम चले जाएं एक एक करके। तो सबसे पहला रिवर सिस्टम कौन था हमारा, सबसे पहला रिवर सिस्टम तो अमेजन का था, तो एक बार अमेजन को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अमेजन को जूम कर लिया हमने, ये जो कलर देख रहे हैं वायलेट कलर से ये जो बना हुआ है ये अमेजन रिवर है अपना, जो आगे जाके यहाँ गिर रही है, और ये वाला जो रिवर है इसका नाम क्या है, ओरिनोको रिवर है जो इधर गिर रही है अटलांटिक में, और यहाँ से एक नदी बनेगी जो ऐसे ऐसे जाएगी और यहाँ गिरेगी कैरिबियन में। तो कैरिबियन सी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है, मैगडलीना रिवर है, मैगडलीना रिवर, ठीक है। और इधर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में कौन गिरती है, ओरिनोको, और कौन गिरती है, पूरा अमेजन का सिस्टम। अमेजन की सहायक नदी में रटने क्या कहा आपको याद रखने, जापुरा, और जापुरा के नाम बाद हमने कहा आपको टोपाजोस याद रखने के लिए कहा, टोपाजोस और जापुरा, एक और रिवर है निग्रो और टोपाजोस बताया, इसके अलावा इस तरफ हमने मडारिया बताया, सॉरी मडारिया और टोपाजोस इस तरफ से, और निग्रो, नेग्रो रिवर और जापुरा रिवर इस तरफ से हमने आपको बताया कि इधर मिलता है, और निको तो बता ही दिया आपको, ज्यादा इधर नहीं देखना है, ठीक है। इसमें बस दो ही रिवर है, ऐसे हमने बताया था जिंगू रिवर है, SINGU जिंगू रिवर है, और आरागुजा रिवर है, बहुत सारे रिवर्स हैं, अब इतने रिवर्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लर्न करना भी जरूरी नहीं है, इतना डिप्थ में नहीं जाता। मेडारिया और टोपाजोस ज्यादा पूछता है आपसे, इसके अलावा जुरुआ है और भी रिवर है, हजारों रिवर है, उसको याद ही ना करना, ठीक है। अमेजन की खासियत बता रखी थी पिछले वीडियो में मैंने आपको, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, और अमेजन के नीचे बॉटम में चार किलोमीटर की गहराई पर एक जुड़वा नदी है जो जमीन के नीचे से बहती है, उसका नाम थोड़ा स्पीड उसका स्लो है, विढाल कम है, लेकिन वो ज्यादा पानी ले जाती है अमेजन के कंपेयर में, उसका नाम है हमजा रिवर। ट्विन रिवर सिस्टम आप आगे चल के डिस्कस करेंगे क्लास में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपसे अमेजन को, अब हम चलते हैं अमेजन के बाद परानापराग्वे वाला जो सिस्टम है उस पे, अमेजन के बाद डिस्कस करेंगे जो परानापराग्वे उरुग्वे रिवर सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। हाँ एक चीज तो और भूल गए, एक तो इस रीजन में अमेजन रिवर सिस्टम में एक आप ये इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लीजिए आपस में हम लोग, एक तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्रिएट करती है, उसके अलावा ये नेविगेबल है कहां तक, ये जगह, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, नेविगेबल का मतलब क्या होता है, जहां आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सके। तो मनुआस, मनुआस नाम का एक जगह है, मनुआस प्लेस जो है वो मनुआस तक ये नेविगेबल है, ठीक है। एक स्पेशल ब्राजील में एक जगह है मनुआस, तो ये अटलांटिक ओशियन से लेके मनुआस तक ये नेविगेबल है, यानी यहाँ पर ये देखिए ये जो जगह है ना ये मनुआस है, तो यहां से लेके यहां तक ये नेविगेबल है, यानी जहाज एंटर कर सकता है और यहां तक आ सकता है, लेकिन इसके आगे नेविगेबल नहीं है। आगे देखिए पेट्रोलियम इसके माउथ पे है, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, इसके अलावा नेचुरल रबर का प्रोडक्शन करता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट बर्बाद हो रहा है डिफोरेस्टेशन के कारण, एक तो कैटल रेंचिंग के कारण, मवेशी पालन के कारण, और सोयाबीन
उगाने के कारण और रबड़ उगाए जाने के कारण, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण ये डिस्टर्ब हो रहा है ये पूरा जोन। आगे चलें, अमेजन फॉरेस्ट हम डिस्कस कर चुके पूरा का पूरा, और अमेजन रिवर सिस्टम भी डिस्कस कर चुके। अगला रिवर सिस्टम हम आते हैं, नेक्स्ट रिवर सिस्टम का नाम है आपका पराना परागवे उरुग्वे रिवर सिस्टम। पराना परागवे और यूरुग्वे रिवर सिस्टम में एक तो रिवर आपने देख लिया कि खुद पराना है, जो इस तरफ से आई ये पराना है, ये रही, और इधर से जो आई ये परागवे रिवर सिस्टम है, ये रही परागवे, ये परागवे है, पराना है, और ये जो रिवर आई ये यूरुग्वे है, और तीनों जहां मिली वो रियो डी ला प्लाटा है। अब एक जो इधर से आई इसका नाम है सलादो, ठीक है, इसका नाम क्या है, सलादो, सलादो आके मिलती है पराना में। तो सलादो, पराना, परागवे और यूरुग्वे, इन सबों को मिला के बनता है कौन सा, ये रिवर सिस्टम, पराना परागवे उरुग्वे रिवर सिस्टम। तो परागवे नोन एज पराना विथ परागवे, ऑल्टो पराना भी बोलते हैं, यानी परागवे का दूसरा नाम ऑल्टो पराना भी है, ठीक है। न्यूमरस वाटरफॉल्स है इसमें, बहुत सारा पराना में बहुत सारा वाटरफॉल है, बिकॉज ब्राजीलियन प्लेटू से होके गुजरता है, और ब्राजील जो भी कोई नदी जब प्लेटू रीजन से गुजरता है तो बहुत ज्यादा वाटरफॉल बनाता है, क्योंकि प्लेटू रीजन में हार्ड रॉक ज्यादा होता है, उसको काट नहीं पाती, तो उसके ऊपर से वो जंप करके नीचे आ जाती है और वो उतर के नीचे आ जाती है, उसको हम वाटरफॉल नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इरिगेशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हेप इरिगेशन बोलते हैं इसको, ये आसपास का जो रीजन है उसके इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हीट कल्टीवेशन के लिए भी पंपास रीजन को ये वाटर सप्लाई करता है। हमने डिस्कस कर लिया आपको पराना परागवे रीजन, अब चलते हैं नीचे जो दो नदियां, एक दो नदी सिंगल नदियां बच गई थी, उन नदियों को भी डिस्कस कर लेते हैं आपस में। अगला पॉइंट देखते हैं, पराना परागवे यूरुग्वे देख लिया आपने, दो तीन नदी भी देख लिया आपने, सैन फ्रांसिस्को, वो जो साओ फ्रांसिस्को रिवर था, ओरनिको रिवर था, मैगडलिना रिवर था, और नीचे कोलोराडो रिवर था। क्लाइमेटिक रीजन यदि देखें कि कहां पे कौन सा क्लाइमेट है, साउथ अमेरिका का कहां पे कौन सा क्लाइमेट है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये अटाकामा डेजर्ट रीजन है, ठीक, और ये जो रीजन है यहाँ किनारे किनारे एंडीज में, ये मेडिटेरेनियन, जो भूमध्य सागरीय जलवायु जहां मिलती है उसके लिए मेडिटेरेनियन कहते हैं। नीचे जो सबसे नीचे जहां ठंडा ज्यादा है, यानी कि मकर रेखा के नीचे उतर जाइए तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिलता है। पेंटागोनिया में कोल्ड डेजर्ट है तो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट मिलता है। पराना परागवे उरुग्वे रीजन में ट्रेम्परस ग्राफलैंड टाइप क्लाइमेट मिलता है। पूर्वी तट पर समुद्री क्षेत्र से आके वर्षा होती है तो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, और जहां वर्षा ब्राजीलियन प्लेटू के कारण, बारबारोमा प्लेटू के कारण इस तरफ रेन शैडो हो जाता है, तो रेन शैडो के कारण ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला रीजन बनता है, और जहां पे वर्षा ज्यादा होती है इक्वेटर के पास वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। तो कितने तरह की जलवायु मिलती है साउथ अमेरिका में, डेजर्ट जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेट इन द सदर्न टिप, डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट इन द ईस्टर्न कोस्ट एंड द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द ब्राजील एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वेयर देयर इज सेल्वास। सो ये सारे क्लाइमेटिक रीजन हैं जो साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, इस तरह की जलवायु मिलती है वहां पे। क्लाइमेट बोलते हैं वहां जो मौसम का जो हाल है ना, उसके आधार पर जो लॉन्ग टर्म जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनको क्लाइमेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर रीजन में 35 साल तक की जो मौसमी दशाएं हैं उसको नाम दे दिया जाता है जलवायु का, और एक जैसा जलवायु यदि 35 साल तक एक ही तरह का डाटा मिल रहा हो तो उसको एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो अटाकामा डेजर्ट के कारण ये जो एरिया है यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट आपने देखा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखा चाइल के कोस्टल रीजन पे, खास करके जो सेंटियागो है, सेंटियागो जो है कैपिटल है इसकी, सेंटियागो साउथ अमेरिका की कैपिटल है, तो जो सेंटियागो वाला रीजन है वो रीजन जो है वो मेनली वहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जहां मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा सिट्रस टाइप ऑफ फ्रूट्स जनरेट होगा, डेजर्ट क्लाइमेट होगा वहां पे कटीली झाड़ियां मिलेंगी, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होगा यहाँ पे ज्यादा चिल्ड मौसम होगा, ठंडा ज्यादा होगा और वर्षा भी ज्यादा होगी, ठंडी वर्षा होगी यहाँ पे, वर्षा कुछ मतलब स्नोफॉल भी होगा इस रीजन में, और ये भी कोल्ड एरिया है पूरा का पूरा। ट्रेम्परस ग्रासलैंड रीजन जो है ये पंपास वाला रीजन है, इसके अलावा मानसून तो आप समझ ही रहे हो, मानसून जहाँ वर्षा वाला रीजन है, पूर्वी तटीय ब्राजील का जो क्षेत्र है। तो जलवायु आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया, और कहीं पे कोई डिस्कशन के लिए कोई पॉइंट आपके पास और हो तो मेरे चैनल पे लिंक दिया हुआ है, आप फेसबुक पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा।
आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम। क्लाइमेट देख लिया, रिवर देख लिया हमने, अब हम देखते हैं जो यहाँ का एग्रीकल्चरल सेक्शन है वो देखते हैं। इक्वेटर वाला जो जोन है, जैसे कोलंबिया वाला क्षेत्र है और इक्वेडोर वाला रीजन है और वेनेजुएला वाला रीजन है, मेनली जो कोलंबिया वाला रीजन है, ठीक है, कोलंबिया रीजन जो है वहां पे, ये कोलंबिया रीजन, यहाँ इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा जो ब्राजील है वहां इक्वेटोरियल के साथ साथ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है। और जो आपका अर्जेंटीना है वहां टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एग्रीकल्चर होता है। और जो कुछ जो तटीय क्षेत्र है किसका, सेंटियागो वाला चाइल का, वहां मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है ये इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर। इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है तो ऐसे फसल उगाए जाते हैं जो अधिक वर्षा में ही सरवाइव कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन में सिट्रस जाति का फ्रूट, जैसे अंगूर हो गया, नींबू जाति का फल हो गया, इन चीजों की खेती होती है। टेम्परेट में गेहूं सबसे ज्यादा उपजता है, इक्वेटोरियल तो पहले ही बता चुका हूं। और ट्रॉपिकल रीजन में धान उपजता है, पाइन एपल उपजता है, गन्ना उपजता है। तो ये तो फसलों के प्रकार हैं जो इन क्षेत्रों में उगते हैं। आगे आते हैं, हमने देख लिया क्लाइमेट भी और देख लिया साथ में कहाँ पे किस तरह की खेती होती है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम, एग्रीकल्चर के बाद आगे डिस्कस करते हैं हम जो रीजन है अपना, फसलों को एक एक करके देखते जाते हैं कि किस रीजन में किस तरह के फसल उगते हैं। एग्रीकल्चर के बाद आइए, इक्वेटोरियल क्रॉप्स में कौन कौन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में आपको अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेटोरियल क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, इनमें से कौन इक्वेटोरियल क्रॉप में काउंट होते हैं। तो कोकोआ, जो आप चॉकलेट खाते हैं, कुछ लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद होता है या फिर चॉकलेट पसंद है आपको, तो वो कोकोआ से बनता है। नेटिव क्रॉप जब कहीं लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो वहां का अस्थाई है, वहीं पे इंडोजिनस है, वहीं से पूरी दुनिया में फैला है। तो कोकोआ ब्राजील का नेटिव क्रॉप्स है, यहीं उगता है और यहीं से पूरी दुनिया में फैला। अमेजन का जो बेसिन है और जो बहिया रीजन ऑफ ब्राजील है, बहिया रीजन जो है अमेजन के आसपास वाला रीजन है, वहां कोकोआ नेचुरली उगता है, कोकोआ की खेती भी होती है और नेचुरली भी उगता है। एवोकाडो, एवोकाडो आजकल इंडिया में भी बड़ा फेमस हो रहा है, लेकिन ओरिजन जो है अमेजन बेसिन है, जंगली फल है, ठीक है। एवोकाडो जो है रिसेंटली इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ फैट पाया जाता है, ओमेगा 3 भी पाया जाता है। पाइन एप्पल नेटिव टू साउथ ब्राजील, साउथ ब्राजील का ये मेन फल है और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पराना रिवर बेसिन में पाइन एप्पल का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो आप डिस्कस कर रहे थे ना, ये इक्वेटोरियल क्रॉप्स हैं, ये सब के सब इक्वेटोरियल क्रॉप्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद दो पॉइंट हम और करेंगे आगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इक्वेटोरियल क्रॉप्स हमने देख लिया, सारे क्रॉप्स को देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम जो है इसके पार्ट टू में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हम अभी आपको दिखा दें, ये है अदर इक्वेटोरियल क्रॉप्स, उसमें क्या देखा था आपने, कॉफी, पाइन एपल और एवोकाडो। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, सॉरी कोकोआ देखा था वहां आपने, कोकोआ, एवोकाडो और पाइन एपल। यहाँ कॉफी देखेंगे, ये भी जो मेन रीजन है यहाँ का, कोलंबिया और सेंट्रल कार्डिलेरा में बहुत ज्यादा उपजता है ये कॉफी, बहुत ज्यादा कॉफी उपजता है सेंट्रल कार्डिलेरा में और कोलंबिया में, मेन प्रोडक्शन का जो एरिया है कोलंबिया है इसका। इसके अलावा ब्राजीलियन हाईलैंड में भी कॉफी बहुत ज्यादा होता है। आप जो नेस्कैफे लेते हैं ना, ब्राजील की कंपनी नेस्कैफे, वो ब्राजीलियन हाईलैंड रीजन में ही कॉफी उगाता है। कोलंबियन कॉफी माइल्ड होती है और ब्राजीलियन कॉफी बहुत ज्यादा तीखा होता है, टेस्टी होता है ज्यादा। अपर आते हैं, अपर पराना पराग्वे रीजन में जो येवरा मेट रीजन है, उस रीजन में भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है। रबर, पूरे अमेजन बेसिन में रबर की खेती की जाती है और ब्राजील की गवर्नमेंट रबर की खेती पे अभी हाल फिलहाल में ज्यादा फोकस कर रही है। और यदि हम आगे चलें, अगला पॉइंट डिस्कस करें आपके साथ, और ये देखिए, ये खेती जो करने का तरीका है ब्राजीलियन हाईलैंड में या कोलंबिया के पहाड़ी रीजन में, इस तरह के खेतों को यूज किया जाता है। एक वर्ड आपको हम आगे बताएंगे, फजेंडा। फजेंडा जो है रबड़ के बगानों को वहां पे स्पेशल नाम दिया जाता है ब्राजील में, फजेंडा कहा जाता है। मैं आपको फजेंडा दिखाऊंगा कि किसको बोलते हैं फजेंडा, ठीक है। अभी आपने डिस्कस किया था कॉफी और रबड़ को, और डिस्कस करें तो सुगर केन का प्रोडक्शन भी ब्राजील में और जो अदर इक्वेटोरियल और मेनली ब्राजील में होता है, जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ब्राजील इस मामले में आगे है। मेनली जो एक लार्ज रीजन ऑफ ब्राजील है
उसको फेजेंडास कहते हैं, जो फेजेंडा है, रबर की खेती भी होती है फेजेंडास में और गन्ना की खेती भी होती है फेजेंडास। फेजेंडास फेजेंडा ब्राजील के स्पेशल टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स हैं जो ट्रॉपिकल खेती, ट्रॉपिकल रीजन में जो ट्रॉपिकल फसल जिन एरियाज में उगाता है ब्राजील, उसको फेजेंडास कहते हैं। ट्रॉपिकल वेराइटी क्या क्या है, मेरीटाइम क्लाइमेट है, हाई सोर्स ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नमी भी मिलता है। जो मेन प्रोडक्टिव एरिया है सुगर केन का वो बेलो हॉरिजेंटो है, इंडस्ट्रियल जोन भी है वहां का, साओ पाउलो है और सेंटोस है, ठीक है, सेंटोस है और रियो डी जेनेरियो है। इसमें जो सेंटोस है उसको कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं, साओ पोलो को सुगर केन पोर्ट ऑफ द ब्राजील बोलते हैं, इसके बाद सेंटोस जो है वो कॉफी पोर्ट बोलते हैं। साओ पोलो जो है ये सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा सुगर केन प्रोड्यूस करता है साओ पोलो में ब्राजील। आगे आइए, अगला पॉइंट हम डिस्कस करें आपके साथ, एक नजर मारते जाइए बस आपको लर्न होता चला जाएगा, और जहां कंफ्यूजन हो दोबारा एक बार वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि रिविजन हो जाए आपका। तो हम अब आगे चलते हैं, फेजेंडास हमने देख लिया, सुगर केन का प्रोडक्शन भी देख लिया, अगले पॉइंट पे आते हैं। ब्राजील में ये गन्ना के बाद अगला जो फसल है वो है कॉर्न, नेटिव क्रॉप है कॉर्न यहाँ का, मैक्सिको और साउथ अमेरिका में ही कॉर्न दुनिया में सबसे पहले प्रोड्यूस करने की शुरुआत हुई। अब जो कॉर्न है वो साउथ अमेरिका के जो अर्जेंटीना रीजन का जो मेजर एक्सपोर्ट कॉर्न का है वो अर्जेंटीना है। इसके अलावा पोटेटो के ओरिजिन में जो एंडीज वाला रीजन है वहीं से पोटेटो शुरू हुआ, पोटेटो की खेती सबसे पहले एंडीज के लोग ही करते थे, एंडीज से ही पूरी दुनिया में फैला है पोटेटो। और टोमेटो सबसे पहले स्पेन में हुआ है, स्पेन ने वहां इंट्रोड्यूस किया, कहां, साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका में टोमेटो की खेती स्पेन ने इंट्रोड्यूस किया। टोबैको जो है ब्राजील और कोलंबिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है टोबैको, पोर्तुगीज ने टोबैको को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कुछ किताबों में ऐसा बताता है कि टोमेटो और टोबैको भी एंडीज का ही था और ये पोर्तुगीज और स्पेनिश ने वहीं से यहाँ लाया, बट कुछ बुक में है कि स्पेन वालों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आप स्पेन को ही टोमेटो में रहने देना, पोटेटो में पोर्तुगीज को रहने देना, वही लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो यहाँ आए थे और साउथ अमेरिका वाले रीजन पे, बहुत बड़े रीजन पे अपने कॉलोनीज को डेवलप किया था उन दोनों ने यहाँ पे, और एग्रीकल्चरल सेक्टर को सबसे ज्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, बिकॉज मिनरल्स के मामले में एरिया पुअर था तो उन्होंने एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। आगे चलते हैं, आपने ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी देख लिया और अब एक और चीज बचता है, टेम्परेट क्रॉप्स। ट्रॉपिकल क्रॉप्स देख लिया, इक्वेटोरियल क्रॉप्स देख लिया, सब एक और से अधिक क्रॉप देखे, सबसे पहले कोकोआ देखा आपने, एवोकाडो देखा आपने, एवोकाडो के बाद पाइन एप्पल देखा, और उसके बाद फिर आपने देखा कॉफी, रबड़, सुगर केन एंड कॉर्न, पोटेटो, टमेटो, टोबैको। अब आप डिस्कस कर रहे हैं अर्जेंटीना के इस गेहूं के खेत को, ठीक है, व्हीट कल्टीवेशन में ये रीजन बहुत ज्यादा फेमस रहा है, तो ये गेहूं की खेती वाला क्षेत्र है ये अर्जेंटीना में, जो पराना पराग्वे रीजन है वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए और कैटल लेनिंग के लिए ज्यादा फेमस है। मॉन्टेविडियो जो यूरोगवे की कैपिटल है, और ये ब्यूनस आयर्स जिसको बोलते हैं, ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की कैपिटल है, दोनों के दोनों व्हीट कल्टीवेशन के लिए और मीट एक्सपोर्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। आगे डिस्कस करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, हमने लगभग एग्रीकल्चर वाला पूरा सेक्टर आपके साथ आज डिस्कस कर लिया, कल अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपको मिनरल्स और इंडस्ट्रीज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास में, ठीक है, एग्रीकल्चरल वाला जो भी रीजन था हमने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। मेडिटेरेनियन एक बच रहा था, ठीक है, मेडिटेरेनियन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और मेडिटेरेनियन के बाद हम लाइव स्टॉक रेंचिंग को इंडस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है वो मिडिल चाइल्ड में है, सेंटियागो के पास मिडिल चाइल्ड रीजन में है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जो मेन एक शहर है वॉल पेरासो एंड सेंटियागो, ये दोनों सिटी जो चाइल का है, यहाँ पे विटीकल्चर और वाइन मेकिंग यानी अंगूर का उत्पादन, संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है इस रीजन में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के कारण। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, हमने आज साउथ अमेरिका का माउंटेन पढ़ा, प्लेटू डिस्कस किया, और साथ ही डिस्कस क्या किया आपके साथ, माउंटेन प्लेटू के अलावा डिस्कस किया ग्रासलैंड के बाद आपको डिस्कस किया आपके साथ रिवर्स, और रिवर के बाद डिस्कस किया आपके साथ हमने डेजर्ट में अटाकामा और पेंटागोनिया का डेजर्ट डिस्कस किया, और साथ ही जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं साउथ अमेरिका के वो डिस्कस किया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक छोटा सा सेक्शन पार्ट टू बच रहा है, तो उस पार्ट टू में हम इंडस्ट्री और वहां के मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। अभी क्लास ऑफ करने के पहले हम आपको थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लेना चाहेंगे
किस चीज की चर्चा कर लेना चाहेंगे कि जो इंडीज आपने अभी डिस्कस किया उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, इंडीज का, सॉरी प्रोडक्शन कह रहा हूँ, ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इंडीज के ओरिजिन को 2 मिनट आपका और टाइम लेंगे और हम इंडीज के ओरिजिन को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सबको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, ना दिखे तो आप बोलना मुझे, मैं बता दूं। साउथ अमेरिका हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा, सॉरी थोड़ा तिरछा हुआ, पहले साउथ अमेरिका ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्वेटर है, इस पे एक पॉइंट लिया, डब्लू बनाया, डब्लू के बाद ये लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाया, पनामा स्ट्रिप बनाया और ये इक्वेडोर बनाया। नीचे आया और वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना के रियो डी ला प्लाटा बनाया हमने, और ये रीजन जो है अटाकामा डेजर्ट वाला रीजन है। तो ये साउथ अमेरिका का डायग्राम हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी। अब साउथ अमेरिका जो रीजन है, एक बार डायग्राम को मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा फिर से, ठीक है। ये W बना के, ये लोटा बना के स्ट्रेप बना दिया और आगे ये अटाकामा डेजर्ट और नीचे पटापटा कोस्ट, और इस तरफ जो है ये रियोडी लाप्लाटा और ये ब्राजील के लिए। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने साथ, वो डिस्कस कर रहे हैं कि एंडीज कैसे जनरेट हुआ, लोकेटेड कहाँ है एंडीज। तो ये पूर्वी तट हो गया इसका, एंडीज का पूर्वी कार्डिल, ये पश्चिमी कार्डिलेरा हो गया, ये इस तरफ, ये सेंट्रल कार्डिलेरा हो गया और ये पूर्वी कार्डिलेरा हो गया, यानी ईस्टर्न कार्डिलेरा, सेंट्रल कार्डिलेरा और वो हो गया, और ये तीनों जब मिल गए आगे आके और फिर इस किनारे किनारे एंडीज बनता चला गया, और एंडीज की सबसे ज्यादा चौड़ाई जो थी वो यहाँ पे थी, ज्यादा चौड़ा हुआ एंडीज यहाँ पे, और नीचे फिर एंडीज क्या होता चला गया, पतला होता चला गया। समझना क्या है हम लोगों को, ओरिजिन कैसे, एंडीज के ओरिजिन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस तरफ कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक ओशियनिक प्लेट है, समुद्र के नीचे जो प्लेट है जिस पर समुद्र टिका है, उस प्लेट को ओशियनिक प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट है ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। समुद्र के अंदर वाला जो प्लेट होता है ना, चट्टानों का समूह जो होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, रिजिड होता है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट इस ओर मूव कर रहा है, इस ओर मूव कर रहा है, और इस तरफ जो है ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, और बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट है और दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, और बीच में एक छोटा सा प्लेट है, ये भी ओशियनिक प्लेट ही है, मतलब महासागरीय प्लेट है, और इस प्लेट का नाम क्या है, नाजका प्लेट। ये जो छोटा प्लेट है ना, इसका नाम है नाजका प्लेट, और नाजका प्लेट पे धक्का कौन लगा रहा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट से टकराता है, जब महाद्वीपीय प्लेट किसी महासागरीय प्लेट से टकराता है, तो क्या होता है, महासागरीय प्लेट जो है अंदर घुसने लग जाती है, इसके सबडक्ट हो जाती है, अधःपतित, यानी अधःपतित का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना, यानी कि सबडक्शन होने लगता है इसका, ठीक है, अधःपतन होने लगता है। जब ये सब नीचे की ओर सबडक्ट होता है, तो नीचे एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, नीचे मैग्मा का एक जोन होता है, उसमें जाके ये चट्टान मेल्ट होती है, जिसके कारण इस एरियाज में मैग्माज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और यही मैग्माज जहां कहीं छिद्र पाता है तो कोटोपेक्सी जैसा चोटी बना देता है ज्वालामुखी का, चैम्बोराजो बना देता है, ठीक है, एकांका गुहा बना देता है। तो एकांका गुहा चोटी बनना, चैम्बोराजो का उत्पन्न होना और कोटोपेक्सी का ओरिजन होना, इस सब के पीछे कौन सा प्लेट जिम्मेवार है, नाजका प्लेट जिम्मेवार है। और नाजका प्लेट कैसा प्लेट है, समुद्री प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, और उस प्लेट को प्रेशराइज कौन कर रहा है, इस ओर धसने के लिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट। जैसे जैसे ये धसता जा रहा है
वैसे वैसे इन चोटियों में ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता जा रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो ये एंडीज की उत्पत्ति की कहानी थी जो लास्ट में मैंने क्लास के अंत में आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया, पूरा सिंपल वे में किया ताकि हमारे जितने भी व्यूअर हैं सबको समझ में आए, और डिटेल की क्लास जब आगे आप समझदार होते चले जाएंगे तो और भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें रेस्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, छोटा इंडस्ट्री और मिनरल्स, और साथ ही साथ सोशल ज्योग्राफी। तो थैंक यू, आपने एंड तक देखा इस वीडियो को, और नहीं तो आप एक बार दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है।